नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरिद्वार दौरा, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में की शिरकत, विद्या मार्दन की उपाधि से किया सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने G20 CSAR के लिए अंदर हिस्सा लिया, आए विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों से की मुलाकात। उत्तराखंड में 3 बैठकों के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा, देहरादून में जन औषधीय केंद्रों का किया निरीक्षण, चमोली के मलारी गांव में प्रवास। सत्ताईस अप्रैल को खुलेंगे बद्री धाम के कपाट, उत्तराखंड प्रशासन तैयारियों में जुटा, अधिकारी लगातार दौरे कर रहे, ले रहे जायजा। और उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने जारी किया नया टैरिफ, मौजूदा टैरिफ से 13.25% बिजली हुई महंगी, डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए 100 यूनिट तक 25 पैसे प्रति यूनिट देने होंगे ज्यादा। और अब खबरें विस्तार से। अमित शाह 1 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार में हैं। इस दौरान वे 3 कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। सबसे पहले वे दोपहर 12 बजे भल्ला इंटर कॉलेज हालीपेट पहुंचे, यहां से रवाना होकर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के 113वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। यहां उन्हें विद्या मार्दन की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके बाद शाह के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सतपाल महाराज और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सहित VIP के साथ हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में आयोजित उत्तराखंड सरकार के सहकारिता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री ने यहां पिचान में संयुक्त सहकारी खेती, पिचान में जनसुविधा केंद्र, पिचान में जन औषधि केंद्र और उत्तराखंड की सभी बहुउद्देशीय सरकारी समितियों से पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ कर विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। इसके बाद वे पतंजलि योगपीठ पहुंचे, यहां योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा आयोजित किया गया संन्यास दीक्षा कार्यक्रम के समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। से ज्यादा केंद्र सरकार की योजनाएं और लगभग इतनी राज्य सरकार की योजनाओं को 95 गांवों में सीधा पहुंचाने का काम करेंगे और इसके माध्यम से जन सुविधा केंद्र की इनकम से पैक्स भी मजबूत होंगे। मित्रों, आज जन औषधि केंद्र लगभग 50-90% सस्ती दवाई ये कोऑपरेटिव जन औषधि केंद्रों से मिलने वाली है, जिससे लोग अपनी स्वास्थ्य का फायदा कर पाएंगे। उत्तराखंड के 95 विकास खंडों में एकीकृत सामूहिक सरकारी खेती का भी मॉडल आज शुभारंभ हुआ है। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में सहकारिता की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सहित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत समेत कई नेताओं ने शिरकत की। आपको बता दें कि ऋषिकुल मैदान में सहकारिता की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत 670 एमपैक्स की कंप्यूटराइजेशन के कार्य की ऑनलाइन शुरुआत की गई। साथ ही साथ सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्य की 95 संयुक्त सहकारी खेती, 95 इम्पैक्ट प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, 95 एमपैक्ट के माध्यम से जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। वहीं अमित शाह ने कहा कि इन योजनाओं के उद्घाटन से राज्य में न्याय पंचायत और ग्राम स्तर पर सहकारी समिति के माध्यम से लोगों को अब तमाम सुविधाएं मिलने वाली है। उसी दिन समग्र भारत में पहली बार पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का कार्यक्रम हमारे उत्तराखंड में शुरू किया था और आज 17 माह बाद में आया हूं। सभी के सभी 670 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन समाप्त हो चुका है। मैं धनसिंह भाई और मुख्यमंत्री जी को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं।
हमारे यहाँ महिलाओं के द्वारा बनाए गए हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं, और अभी हमने महिलाओं का एक रेस्टोरेंट खोला है तीर्थम करके, वहाँ हमारी सारी महिलाएं कार्यकर्ता ही हैं जिनको कि हमने रोजगार दिया है, और आज उन्हीं के बनाए हुए हम लोग ये सारवान सारा लेकर आए थे। हमारा एक NGO भी है, द नेचर फाउंडेशन सोसाइटी। इस कार्यक्रम से लाभ मिल रहा है किसानों के लिए, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं आ रही हैं। भैया कि किसान को जागरूक होना चाहिए, जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ ले उसके लाभ प्राप्त करे। यहाँ आके हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिली कि किस तरह से ये काम हो रहा है, और यहाँ स्टॉक देखने के बाद हमको ये पता चला कि आगे हम भी अपने समूह में ये सब कार्य कर सकते हैं। अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी हम कम स्तर पे, अभी इधर देख के हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिली है, आगे जाके भी हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, बहुत फायदा लिया है हम लोगों ने, गांव में काफ़ी ग्रामीण विकास हुआ है, सड़कें नाली काफ़ी बनी है, बहुत विकास हुआ है, भारत बहुत उन्नति पे है, बहुत अच्छे मोदी जी के नेतृत्व में ये कार्य हुआ है। उधर केंद्रीय एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज हरिद्वार दौरे पर रहे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह गुरुकुल कांगड़ी के दीक्षांत समारोह में पहुंचे तो परशुराम चौक पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए कांग्रेसियों ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के भल्ला कॉलेज हेलीपैड पहुंचते ही जोरदार नारेबाजी करना शुरू कर दिया। पहले से मुस्तैद पुलिस के जवानों ने सुरक्षा की दृष्टि से कांग्रेसियों को हिरासत में ले लिया। इस मौके पर कई महिला कांग्रेसी भी प्रदर्शन कर रही थी। बहुत उत्तेजित हैं लोग उनका विरोध करने के लिए, उनको काले झंडे दिखाने के लिए, उनको हरिद्वार में आने से रोकने के लिए। उसके पीछे उद्देश्य यह है, जो हाल ही में तानाशाही के तहत राहुल गांधी जी को एक झूठे केस में आरोपित दिखाकर और उन्हें 2 साल की जो अधिकतम सजा निर्धारित की है, जो कभी आज तक इस देश के किसी भी उन धाराओं में नहीं दी गई, वो एक प्लान के तहत किया गया है, और साथ ही सजा के साथ साथ तुरंत 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता समाप्त करने का जो जघन्य अपराध आज भाजपा के द्वारा किया गया है। पर्याप्त मात्रा में फोर्स उपलब्ध है, हाँ। जो भी शांति व्यवस्था भंग दे रहेगा उसके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो प्रदर्शन कर रहे थे वो नारेबाजी कर रहे थे, उन्हीं चीजों को जो है हम लोगों ने उन्हें समझा बुझा के जो है यहाँ से शिफ्ट कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर में आयोजित G20 चीफ साइंस एडवाइजर्स वर्किंग ग्रुप में हिस्सा लेने आए विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने मेहमानों के स्वागत में आयोजित रात्रि भोज में भी हिस्सा किया। CM धामी ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि G20 की थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर भारतीय संस्कृति की वासुदेव कुटुंबकम की सोच पर आधारित है। हमारे देश की प्राचीन और महान संस्कृति ने ही सर्वप्रथम वासुदेव कुटुंबकम अर्थात समस्त विश्व ही एक परिवार है की अवधारणा समस्त विश्व के समक्ष रखी थी। G20 की ये विशेष बैठक चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल हमारी सनातन संस्कृति की इसी मूल अवधारणा को पुष्टि करता है। उधर अल्मोड़ा पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद संदीप टामटा ने G20 को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि G20 में भाजपा ने अपना एजेंडा चला दिया है। G20 में भारत के प्रतीक चिन्ह के साथ आजादी के तिरंगे को भी हटा दिया गया। भाजपा ने इतने बड़े प्रोग्राम में अपना झंडा लगाकर सिर्फ अपना एजेंडा चलाकर मनमानी की है। G20 का एक बड़ा, मैं आज अखबार में ज्ञापन देख रहा था। हम मानते हैं अगर हमारे इस प्रदेश के पर्यटन के इसको विकास के लिए आगे बढ़ाया होता है G20 के, उसमें आपने हमारा भारत का जो प्रतीक चिन्ह है वो भी गायब हो गया, अशोक की लाइट गायब होगी, 3 रंगों का झंडा जो स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था वो गायब हो गया, BJP का कमल खिल गया और BJP का झंडा आ गया है, तो आपने भी G20 के इवेंट को भारतीय जनता पार्टी का इवेंट बना लिया, अब क्या उसको राज्य की या देश की उपलब्धि कहें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और मदन कौशिक ने उनका स्वागत किया। वे आज सीमांत जनपद चमोली के मलारी गांव में प्रवास करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देहरादून स्थित कैनाल रोड पहुंचकर जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत सहित स्वास्थ्य से जुड़े हुए तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। केवल 137 रुपीस, 137 रुपीस क्वालिटी मेडिसिन है, और
मुझे जनऔषधि केंद्र के मालिक बता रहे हैं, पहले लोग कहते थे कि अच्छी होगी, इतनी सस्ती होगी तो क्वालिटी होगी, तो जनऔषधि केंद्र के हमारे संचालक कहते थे कि एक बार ले जाओ और आपको रिजल्ट मिले तो फिर से लेके लेने के लिए आना। आज ऐसे कई ग्राहक है, कई पेशेंट है, वो आज उसके लिए ज़रूरी कैंसर की मेडिसिन ये जनऔषधि केंद्र से लेते हैं। जो हम समझते हैं उत्तराखंड में पहले जो जेनरिक दवाइयां तो पहले से ही आती थी, लेकिन क्या होता था, पहले लोगों को विश्वास नहीं होता था, अवेयरनेस भी थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी की फोटो और ठप्पा इसमें लगा है BPPI का, तब से लोगों का विश्वास बहुत अग्रणी हुआ है, विश्वास बढ़ा है। तो अब जनऔषधि की दवाइयाँ, जेनरिक दवाइयाँ बहुत सारी बिकती हैं। जो गरीब आदमी है, मेरे पास कई सारे पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने लोन ले रखे हैं, किसी ने टेम्पो लोन ले रखा है, किसी ने कुछ ले रखा है, उनको किस्त नहीं दी जाती थी और बीमार होते थे, 10-15 हज़ार की दवाइयाँ लेते थे वो, लेकिन अब 3 हज़ार में उनका काम हो जाता है और बाकी वो किस्त अपनी जमा करके अपना गुजारा कर लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर बजट में साथ ही राज्य सरकार द्वारा केंद्र से मांग की गई है, उसको पूरा किया जाएगा। बता दें कि राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और विस्तारीकरण के लिए केंद्र सरकार से 500 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने की मांग की है। नई योजनाओं के तहत चारधाम के अंतर्गत आने वाले 5 चिकित्सा इकाइयों के उच्चीकरण के लिए नगरीय मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब सहित कार्डिक यूनिट, ट्रॉमा सेंटर और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर स्थापित करना शामिल है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा पर तैनात चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य कार्मिकों को प्रोत्साहन भत्ता देने की भी योजना है। चारधाम यात्रा में हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से भारत सरकार का जो भी सहयोग मांगा जाएगा, भारत सरकार सहयोग करेगी और चारधाम यात्रा करने वाले यात्रिकों को हेल्थ की दृष्टि से कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए पूरा ख्याल रखा जाए। सर, राज्य हिंदुस्तान की अंतिम सरहद पर बसा मलारी गांव में पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया। आपको बता दें कि मलारी गांव पहुंचने पर भोटिया जनजाति के स्थानीय लोगों ने उनका फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी स्थानीय लोगों से भेंट की और उनकी समस्याओं को सुना। निकटवर्ती क्षेत्र बे रिपाडाव स्थित ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी के हल्द्वानी कैंप द्वारा राष्ट्रीय सेवा आयोजन के शिविर का शुभारंभ किया गया, जहां पर बतौर मुख्य अतिथि जयपुर बीसा की ग्राम प्रधान सीमा पाठक और समाजसेवी कीर्ति पाठक मौजूद रही। इस दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना को स्वयं सेवकों को कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अखिलेश पांडे और जागरूक किया गया। वहीं ग्राम प्रधान सीमा पाठक ने छात्र छात्राओं को समाज के प्रति जागरूक करने का काम किया। इस दौरान साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है, इस पर गोष्ठी की गई और छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने को भी कहा गया। आज हमारी ग्राम पंचायत में NSS के द्वारा ग्राफिक इंस्टीट्यूट के बच्चों का एक कैंप, 7 दिवसीय कैंप लगाया गया है और बच्चे लोग काफ़ी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्से ले रहे हैं। काफ़ी बच्चे खुद खाना बनाना और भी जितने भी इनके सोशल काम है, सफाई से लेके, काफ़ी बच्चे इसमें रुचि ले रहे हैं। और सबसे पहले तो आज जो यहाँ कैंपिंग थी उसमें उनके शुगर की जाँच और ब्लड प्रेशर वगैरह की जाँच, निःशुल्क जाँच यहाँ पर रखी गई थी। ये राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत हमारे विद्यालय को यूनिट मिली हुई है जो युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषित है। तो इसमें हम बच्चों को सर्वांगीण शारीरिक और मानसिक विकास साथ साथ बौद्धिक विकास भी हो, क्योंकि हमारी ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी सबको पता है एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कर रही है। तो NSS का बेसिकली योगदान ये है कि जैसा कि हम देखते हैं कि बाहर अगर जगह में जाकर लोगों की मदद करना और थोड़ा जागरूक करना, सेल्स जैसे कि सोशल वर्क करना कि सफाई वगैरह हो गया, और अवेयर करने से कि मैम ने बताया कि अभी सोशल साइबर क्राइम बढ़ रहा है तो उस चीज़ में लोगों को अवेयर करना। हमारे 7 डे का कैंप है जिसमें हम लोगों की हेल्प वगैरह कर रहे हैं। जैसे अभी हमारा हेल्थ कैंप हुआ था जिसमें हमने BP वगैरह लोगों का टेस्ट करा था और आगे ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह है। कैसा लग रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है आपको? काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, लोगों की बहुत हेल्प हो रही है। खबरों में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
उत्तराखंड के विकास और जनता के विश्वास को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं उत्तराखंड के ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गैरसैंण में अपने पहले ही बजट सत्र में धामी सरकार ने रच डाले कई कीर्तिमान और किए जन विकास को समर्पित कई ऐतिहासिक काम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की भूमि से जो कर्म और मर्म का रिश्ता है, उनका जो विशेष लगाव है, उस विशेष लगाव के कारण से पिछले 5 सालों का 6 सालों का या 8 सालों का हम आकलन करेंगे तो लगभग 1.5 लाख करोड़ की धनराशि उत्तराखंड के विभिन्न विभिन्न विकास कार्यों के लिए स्वीकृति प्रदान। वर्ष 2023 से 24 के लिए संतुलित, समावेशी और सभी वर्गों तक पहुंचने वाले 77,407 करोड़ रुपए के बजट का किया प्रावधान। राज्य के विकास की रफ्तार में मील का पत्थर साबित हुआ गैरसैंण विधानसभा बजट सत्र। सशक्त समाज, समृद्ध प्रदेश के ध्येय को पूरा करने के लिए समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास हेतु 2,850 करोड़ रुपए के बजट का किया प्रावधान। वैश्विक पटल पर देश और उत्तराखंड का मान बढ़ाने जा रही G20 बैठक के लिए किया 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। पेयजल, स्वास्थ्य, उद्योग, ग्रामीण विकास, सड़क, पंचायती राज जैसे क्षेत्रों के लिए युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तैयार किया मजबूत रोड मैप। प्रदेश में पर्यटन बने आर्थिक संपन्नता का आधार, इसके लिए बहुआयामी बजट का किया प्रावधान। समृद्ध बने कृषि, किसान हो खुशहाल, इसके लिए कल्याणकारी योजनाओं पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पूरा जोर। मजबूत शिक्षा व्यवस्था से आने वाले भविष्य का बने मजबूत आधार। उत्तराखंड वासियों को मिल रहा स्वास्थ्य सुविधाओं का हर जगह लाभ। आयुष्मान योजना से लेकर मेडिकल कॉलेज बनाने पर उत्तराखंड सरकार कर रही काम। युवाओं का सुरक्षित हो भविष्य, नकल माफियाओं पर कसी लगाम। नकल विरोधी कानून बनाकर बढ़ाया राज्य का मान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास के नए आयामों को छू रहा है उत्तराखंड। बन रहा समृद्ध, सशक्त, खुशहाल। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को G20 की अध्यक्षता करने का अवसर मिला है। ये चतुर्मुखी विकास की ओर तेजी से बढ़ते सशक्त भारत का नव स्वरूप है, जिसमें उत्तराखंड राज्य का संकल्प और समर्पण भी निहित है। इसी समर्पण को देखते हुए उत्तराखंड को भी G20 के इस महाअभियान की अगली 3 महत्वपूर्ण बैठकों का हिस्सा बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य की G20 समिट को सफल बनाने और इसके भव्य स्वागत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तराखंड राज्य के लिए गौरव के क्षण है कि विश्व स्तर पर भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 की आगामी बैठकों के लिए देवभूमि उत्तराखंड को चुना गया है। देवभूमि उत्तराखंड में होने वाली G20 की इन बैठकों के आयोजन से प्रदेश को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान मिलेगी। G20 की पहली बैठक में G20 चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल कार्यक्रम होगा, तो दूसरी बैठक में भ्रष्टाचार रोकने की चुनौतियों, उनके समाधान पर गहन मंथन किया जाएगा और इसके बाद तीसरी बैठक देश दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों और नई तकनीकों पर आधारित होगी। उत्तराखंड राज्य में होने वाले G20 के आयोजन से उत्तराखंड राज्य को अपनी बहुआयामी क्षमताएं दिखाने का अवसर तो मिलेगा ही, साथ ही समिट से उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यहां की अर्थव्यवस्था में एक नई मजबूती आएगी। देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक गौरव के साथ राज्य के स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी। ये देवभूमि उत्तराखंड को गौरवान्वित करने वाला वो महत्वपूर्ण अवसर है जब उत्तराखंड की ये पावन भूमि भारत की गरिमामयी छवि को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जसपुर के स्वागत मंडप पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। कोश्यारी का कहा कि उत्तराखंड कई लोगों के बलिदान और त्याग के बाद बना है। उन्होंने कहा कि यदि सभी लोग मिलकर आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमारा उत्तराखंड एक आदर्श राज्य बनेगा। उत्तराखंड अनेक
लोगों के बलिदान के बाद, परिश्रम के बाद, त्याग के बाद बना है। और सौभाग्य है कि उत्तराखंड बनते ही हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने यहाँ औद्योगिक पैकेज दिया, उसके कारण से आज उत्तराखंड हमारे देश के एक प्रगतिशील अग्रिम राज्यों में से एक राज्य कहा जाता है। लेकिन इसका जो अगला कदम है वो यह है कि जब तक हर हाथ को काम नहीं मिलेगा, हर हाथ को, हर खेत को पानी में नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ वास्तविक विकास नहीं होगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने अपने एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान कोटद्वार विधानसभा में उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनवाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोटद्वार में टूरिज्म को बढ़ावा देने के कारण आश्रम को उत्तराखंड के टूरिज्म से जोड़ा जाएगा और कहा कि शिक्षा विभाग में स्कूलों को दुरुस्त करने के लिए लगभग 1,10,00,000 रुपए दिए गए हैं और कोटद्वार बेस हॉस्पिटल को दिल्ली एम्स से जोड़ने का प्रयास किया गया। तो सोचना चाहूंगी कि एक साल में थोड़ा बहुत, थोड़ा ही चाहे छोटा ही, मैंने कुछ प्रयास किया है, वो कहीं ना कहीं कारगर हुआ है। शिक्षा में करीबन 1,10,00,000 मैंने शिक्षा स्कूलों को ठीक करने के लिए दिए हैं। हॉस्पिटल में मैंने ये प्रयास किया है कि एम्स के डॉक्टर्स के साथ हम अपने हॉस्पिटल को जोड़ें। प्रयास पिछले वित्तीय वर्ष में 3 बार बिजली के दामों में बढ़ोतरी के बाद भी 2023-24 के नए वित्तीय वर्ष में एक बार फिर से उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का करंट लगने वाला है। दरअसल उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2023-24 के टैरिफ जारी कर दिया है, जिसमें बिजली की दरों में 9.68% तक की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ाई गई दरें प्रदेश में 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। हम लोगों ने जो अलाउ किया वो 9.69% किया है, या हम इस अब जो टैरिफ चल रहा है उससे 1.79% किया है, तो वही सब देखते हुए हम तो उसको अलाउ करेंगे, जिससे कि जो रेवेन्यू हम उनको दे रहे हैं कि आपको इस बार 9,900 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए हम दे रहे हैं, 10,000 करोड़ की कंपनी बनने वाली है, तो वो उसका पर्पज यही है कि भैया इसमें आपके सारे खर्चे हो जाएंगे। अब उसके बाद आप बात कर रहे हो इंडिविजुअल टैरिफ की, तो उस पर टैरिफ का रेजिस्ट्रेशन हम नहीं कर सकते। हम लोग तो जो टैरिफ का जो क्रॉस सब्सिडी को देखना पड़ता है हमें, जिसमें बात होती है कि साहब हमें 20% प्लस माइनस करना पड़ता है। आपको बताऊं कि जो लास्ट ईयर हमारा डोमेस्टिक में क्रॉस सब्सिडी थी वो 19.8% थी, उसको भी हमने। हल्द्वानी में आज रामनवमी के मौके पर राम भक्त सेवा समिति के द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से आए कलाकारों ने धार्मिक धुनों पर नृत्य करके शोभा यात्रा में शामिल हुए। वहीं रामनवमी के मौके पर राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी की शोभा यात्रा में सभी राम जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और वहीं शोभा यात्रा रामलीला मैदान से प्रारंभ होता हुआ हल्द्वानी शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ गुजरा। बहुत अच्छा लग रहा है, ये हमारी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं हमारी रामभक्त समिति जो है कर रही है, क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी है लोगों में प्रोत्साहन का होना, और उन्हें पता, इसी से हमारे बच्चे भी इससे मोटिवेट हो रहे हैं कि ये रामभक्त की हमारी रैली निकल रही है तो वो भी मोटिवेट होकर निकल रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार बदमाशों का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है, जिसको देखते हुए एक और घटना सामने आई है। जीवनवाला ग्राम पंचायत के फतेहपुर गांव की निर्मल कौर पत्नी जीवन सिंह निवासी फतेहपुर टाडा के साथ देर रात को घटना हो गई। घर के बाहर घात लगाकर बैठे बदमाशों ने महिला पर हमला बोला और कान के कुंडल खींच कर फरार हो गए। देर रात 12:15 बजे घटी घटना से पुलिस में हड़कंप मच गया। रात जब महिला घर से बाहर शौच के लिए निकली तो घर के बाहर घात लगाए बैठे बदमाशों ने महिला पर हमला बोल दिया। नवरात्रों के अंतिम दिन रामनवमी के मौके पर हरिद्वार के शक्तिपीठ और सिद्ध पीठों में मां अंबे के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। दिनभर मां के मंदिर में जयकारे गूंज रहे थे और नवरात्र को लेकर शहर के देवी मंदिरों में विशेष इंतजाम किए गए। देवी की मूर्ति का श्रृंगार किया गया, मंदिरों को सजाया गया, लाइटों और झालर से मंदिरों में रोशनी देखते ही बन रही है। बता दें कि पहले नवरात्र से ही पूजा अर्चना के लिए लोगों का मंदिरों में पहुंचना शुरू हो गया था। श्रद्धालुओं ने मनसा देवी, चंडी देवी, माया देवी मंदिर और सुरेश्वरी देवी मंदिर, शीतला माता मंदिर, दक्षिणकाली मंदिर में माथा टेका।
2017 में एक मामला सामने आया था जहां पर युवती के साथ रेप किया गया था। आखिरकार 6 साल बाद पुलिस द्वारा सभी संलिप्त आरोपियों की धरपकड़ कर ली गई। कुछ दिन पहले भी इस घटना से जुड़े एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। काफी वक्त पुलिस को चकमा देने के बाद आखिरकार पुलिस ने अभियुक्त जयकरण भगत को ISBT देहरादून से गिरफ्तार कर लिया है। देखिए 2017 में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था थाना मसूरी में, जिसमें 302-201-376D का जो मुकदमा था वो हुआ था, जिसमें एक युवती के साथ गैंगरेप के पश्चात उसकी हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में 9 अभियुक्त प्रकाश में आए थे, जिसमें से 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। जो एक शेष था उसकी गिरफ्तारी हमारी मसूरी टीम द्वारा की गई है। ये जो अभियुक्त था ये जयकरण भगत, ये देहरादून में रायपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत धारकोट के 2 गांव लड़वा कोट और हल्द्वाड़ी आज भी विकास के कोसों दूर है, क्योंकि ये गांव आज भी सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं। आज भी इन गांव के ग्रामीणों और बच्चे 10 किलोमीटर की लंबी दूरी पैदल नापते हुए जाते हैं और गांव के लोग नेताओं से बेहद नाराज हैं और कहते हैं कि जब वोट चाहिए होते हैं तो ये लोग मीलों पैदल चलकर गांव में आते हैं और विकास के कोरे सपने दिखाकर वोट मांगते हैं, और जब वोट लेकर सरकार बना लेते हैं तो फिर हमारे जनप्रतिनिधि हमारे गाँव में आकर झांकते ही नहीं। वहीं लंबी दूरी नापकर रोजाना स्कूल में अक्षर ज्ञान के लिए अपने बच्चों की आंखों में सपने तो है, लेकिन सरकार से मायूस है। सड़क से अछूते ये दोनों गांव देहरादून से मात्र 25 किलोमीटर दूर है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को G20 की अध्यक्षता करने का अवसर मिला है। ये चतुर्मुखी विकास की ओर तेजी से बढ़ते सशक्त भारत का नव स्वरूप है, जिसमें उत्तराखंड राज्य का संकल्प और समर्पण भी निहित है। इसी समर्पण को देखते हुए उत्तराखंड को भी G20 के इस महाअभियान की अगली 3 महत्वपूर्ण बैठकों का हिस्सा बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य की G20 समिट को सफल बनाने